Good morning, friends. I hope you all are doing well, right? Continuing maxims of equity, आज हम equality is equity ये वाला maxim discuss करेंगे. Equality is equity. Latin में से equitas is quasi equilitas ऐसा कहते हैं, right? तो equality आप यही समझ गए कि equity always believes in equality. राइट, सबको एक जैसा, सबको समानता से देखना, जिसको कोई टाइप का क्या बोलते हैं वो पार्शियलिटी नहीं. राइट, तो इक्विटी ऑलवेज बिलीव्स इन इक्वालिटी. इट ट्राइज टू पुट द लिटिगेटिंग पार्टीज ऑन एन इक्वल लेवल सो फार हैज देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसर्न. इक्विटी एक्ट्स इन सच अ मैनर दैट नो पार्टी गेट्स एन अंडर एडवांटेज over the other party. This is what equity does. Equity benefits and burden of common interests and obligations cannot be imposed upon and pressed against anyone. Believes in this, right? Equity believes in benefits and burden of common interests and obligations cannot be imposed upon and pressed against. कोई भी एक पार्टी पर जोर नहीं होना चाहिए, ये सब थोपना जरूरी. So this is what equity believes. In the case of joint ownership, the allocation of profit and loss should be made on the basis of equality. Right? ये joint ownership में आपको बता देता हूँ. Joint ownership में ऐसा होता है कि partners, दो partners, suppose A and B partner है, right? और A का जो son है वो है C. और अगर A का death हो जाता है तो जो property है वो सी के पास नहीं जाता है, उसके सन के पास रूल्स जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जॉइंट ओनरशिप में वो चला जाता है बी के पास. दिस इज व्हाट, तो दिस व्हाट इक्विटी हैज नो फेथ इन जॉइंट ओनरशिप. इट ऑलवेज बिलीव दैट द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ओनली. लेट्स टेक केस जोन्स वर्सेस मैनार्ट. ये भी इस डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ही है. राइट, द फॉर्मर स्पाउसेस डिस्प्यूटेड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. इट वॉज अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. द मैक्सिम दैट इक्वालिटी इज इक्विटी प्रोवाइड्स नो मोर देन अ फॉल बैक पोजिशन वेर नो अदर बेसिस ऑफ डिवीजन इज अप्रोप्रिएट. राइट, बाकी जो कॉमन लॉ में जो हमारे जो लीगल में जो डिवीजन है वो कोई भी सही नहीं है, बराबर उसका अप्रोप्रिएशन नहीं बैठता है. तो सिर्फ इक्वालिटी इज इक्विटी. इक्विटी बिलीव्स इन दिस डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए इक्वल मैनर. दैट्स व्हाट दिस मैक्सिम सेज. नाउ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है. मैंने जैसे बताया था इक्विटी डिसलाइक्स जॉइंट टेनेंसी. राइट, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि क्या है, जैसे जॉइंट टेनेंसी का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें इक्विटी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. इक्विटी ऑलवेज बिलीव्स इन इक्वालिटी. राइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेनेवर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द राइट क्लेमेंट, कोर्ट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इफ देयर इज नॉट बेसिस फॉर डिविजन. कंट्रीब्यूशन, व्हेन अ क्रेडिटर हैज अ सिंगल क्लेम, जब कोई सी क्रेडिटर का सिंगल क्लेम है अगेंस्ट सेवरल पर्सन, he has the option realizing the best from any one of them. बराबर, अभी चार डायरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर एक क्रेडिटर को कुछ वसूल करना है तो he doesn't have to go to each and everyone. वो किसी एक से भी पूरा वसूल कर सकता है. That is what common law says. The debtor who has been compelled, अभी तो ये देखिए, जो डायरेक्टर है उन्होंने पे कर दिया, अब वो डायरेक्टर बाकी सपोज उसका जो लायबिलिटी से ज़्यादा है उसने पे किया, तो उसका हक बनता है कि बाकी के डायरेक्टर से वो ले सके, वसूल कर सके. तो देखो यही है कि डेप्टर हु हैड बीन कंपेल्ड टू पे डेप्ट इन फुल हैड नो रेमेडी अगेंस्ट हिज को-डेप्टर इन कॉमन लॉ, बट इन इक्विटी इट कुड क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेटर सो दैट द बर्डन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट, दिस इज हाउ इक्विटी हेल्प्स आउट. अबेटमेंट ऑफ लीगेसीज, इफ लीगेसीज आर जनरल, कोई भी जो लीगेसी जो हमको बाप दादा के टाइम से हमको जो मिला है, दे आर नॉट इनसफिशियंट टू पे इन फुल. बराबर, अब उसका परफेक्ट मतलब
प्रोपोर्शनेटली हम लोग नहीं दे पा रहे हैं या तो फिर सबको फुल में नहीं दे सकते हैं, कंप्लीट नहीं दे सकते हैं, तो इट शुड बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शनली, राइट? तो दैट इज दे आर लायबल टू ए प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन एसेट्स प्रूविंग इनसफिशियंट टू पे टू द लीगेसीज इन फुल. ओके, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट वेयर डोनी ऑफ ए पावर्स इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट फेल्स टू एक्सरसाइज हिज पावर, द कोर्ट ऑफ इक्विटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विल कैरी द सेम इनटू इफेक्ट. अगर डोनी जो है वो मिस कर गए या उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया उनसे, बराबर, और उनकी डेथ हो गई, ऐसा तो कौन उठाता है ये वाला काम? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी ले लेता है. तो द कोर्ट ऑफ इक्विटी कैरी आउट दिस वर्क, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी इक्वली अमॉन्ग द पर्सन Concerned. Recognition. इसका इस मैक्सिम का recognition कहाँ होता है? The doctrine of equality is equity has been recognized in India under various enactments. Section 106, Indian Succession Act. Section 69, 70, 146 and 147, Indian Contract Act. Or Section 56, 81, 82, Transfer of Property Act. Conclusion. Equity always try to keep the parties at the same position. देखिए उनको ऐसा है नहीं कि ये plaintiff है ये defendant है, they are kept in their same position, right? Whether it is defendant or plaintiff, they should be treated equally. A party cannot get any undue advantage over the other. The doctrine of equality, however, operated more effectually in a court of equity than in a court of law, right? This is what equity does. In the distribution of property, the highest equity is to make an equality between the parties standing in the same relation. So friends, ye hamara maxim ka discussion tha, equality is equity. I hope you understood. Agar aapko kuch confusion ya query hai to please comments mein likhiye, I will get back to you. Okay, agar aapko ye video pasand aaya to please subscribe, लाइक और शेयर करो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, और शेयर करो सो दैट इट रीच आउट टू द मैनी पीपल, राइट? तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट मैक्सिम. ओके, और मैंने प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, अगर आपको इसके पहले वाले मैक्सिम्स देखने हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय, हैव अ नाइस डे.